अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज एमडी अफरोज, यू आर वाचिंग अवर चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो आज की जो टॉपिक है दोस्तों, वो है कॉलम राइज के बारे में। दोस्तों, कि यहाँ पे कॉलम राइज कर रहे हैं और रेस पूछ सकते हैं, रेस कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से किस तरह से यहाँ पे अलाइनमेंट जो होता है, यहाँ पे जो लाइन डोरी कर रहे हैं कॉलम की कास्टिंग के लिए, कॉलम यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग के लिए यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जैसा कि हमारा प्रीवियस वाला कॉलम होता है, पहले वाला कॉन्क्रीटिंग, उसका गुंडू लेवल चेक कर लेते हैं अपन। उसको गुंडू लेवल चेक कर लेके यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दी उसको कवरिंग देखते हैं। कवरिंग देख के यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से दोस्तों, नेक्स्ट फ्लोर के लिए कॉलम राइज करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो पे पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। अभी भी हम जैसे कि यहाँ पे ये कर रहे हैं, लाइन डोरी कर रहे हैं, उसका कवरिंग मिनिमम 25 mm रहना चाहिए। मींस एक इंच उसको कवरिंग होना चाहिए फ्रॉम द रेनफोर्समेंट से। जो हमारे रेनफोर्समेंट होते हैं, जो सरिया होते हैं, वहाँ से हमको एक इंच कवरिंग मिनिमम चाहिए। और जैसे कि कॉलम है दोस्तों, कॉलम के जैसे कि हम स्लैब को देते हैं कवरिंग 25 mm देते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम्स के लिए, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम 25 mm कवरिंग रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ जैसा कि देख सकते हैं आप, इस तरह से यहाँ पे लाइन डोरी का वर्क हो रहा है फॉर दी नेक्स्ट फ्लोर के लिए यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये प्लेट्स यहाँ पे पूरी तरह से फिक्स हो जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वर्क स्टार्ट हो जाएगा, वो कॉन्क्रीटिंग वर्क स्टार्ट हो जाएगा किस चीज़ में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस वीडियो पे बनी रही है पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे, बने रहिए पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमको कवरिंग मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे मार्किंग किया है। ओके फ्रेंड, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितना हमको मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमको कवरिंग मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1.5 inch अपने को कवरिंग मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं 30-35 देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे 30 mm कवरिंग मिल रहा है मिनिमम जो कवरिंग है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिनिमम जो कवरिंग चाहिए हमको 25 mm चाहिए, यहाँ पे 30 mm यहाँ पे हमको कवरिंग मिल रही है 30 mm। ओके दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे वर्क यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे वर्किंग किया गया है। बने रहिए इस वीडियो पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 40 mm यहाँ पे हमको कवरिंग मिल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं 40 mm यहाँ से। दोस्तों, कवरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कॉलम हो, चाहे वो बीम हो, चाहे वो स्लैब हो, मिनिमम जो कवरिंग होना चाहिए हमको 25 mm होना चाहिए कवरिंग। यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे मार्किंग करते हैं, जैसा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर भी है हमारे सेंटरिंग के, और यहाँ पे वर्कर्स भी है, किस तरह से यहाँ पे मार्क करके यहाँ पे लाइन डोरी कर रहे हैं। पूरी जानकारी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस वीडियो पे बने रहिए, पूरा कंप्लीट वीडियो। इस तरह से पहले मार्क कर लेंगे, मार्क कर लेके उसके बाद वहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन डोरी करके वर्क को अपना जो है स्टार्ट करेंगे। तो
फ्रेंड्स ये इस वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा जहाँ इसलिए कि थोड़ा सा मैं जो माइक है वो माइक का इस्तेमाल नहीं किया हूँ, वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्लियरली वॉइस मेरी आपको नहीं आएगी इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी वो किस तरह से वर्क होता है इसका पार्ट 3 मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप मेल टाइप में हो चुका है वर्क। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला फेस से लेके वो वाला फेस तक पूरा यहाँ पे लाइन डोरी हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट का यहाँ पे वर्क कर रहे हैं जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको भी देख दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम यहाँ पे इसको भी 25 mm कवरिंग मिल रहा है फ्रॉम द रेनफोर्समेंट। पर यहाँ से यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है ये रेनफोर्समेंट से यहाँ पे 25 mm कवरिंग मिल रहा है देख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे आप बने रहिए पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी गेन करने के लिए इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कवरिंग का यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको मिल रहा है 20 mm मिल रहा है मिनिमम 20। तो मिनिमम हमको 25 mm चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 30 mm मिल रहा है। यहाँ ये फेस को आप देख सकते हैं 30 mm मिल रहा है और यहाँ पे जो है यहाँ पे 20 mm के करीब मिल रहा है, 25 mm के करीब यहाँ पे आप यहाँ पे मिल रहा है कवरिंग। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इस तरह से वर्क किया गया है लाइन डोरी का इस्तेमाल करके यहाँ पे हमारा कंक्रीटिंग हुआ इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी तरह से वर्क होगा यहाँ पे जो हमारे ये लाइन डोरी इसलिए करते हैं दोस्तों जैसे कि हमारी जो कॉलम्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लाइन में रहे एक फेस में रहे ताकि इधर उधर ना हो सके। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कवरिंग का थोड़ा प्रॉब्लम होगा मींस थोड़ा सा 5 mm 10 mm थोड़ा सा आगे पीछे होगा मगर कॉलम जो है लाइन में रहना चाहिए इसलिए हम लाइन डोरी को यहाँ पे करते हैं विद हेल्प ऑफ द लाइन डोरी से यहाँ पे पूरे कॉलम्स को जो भी हम रेस करेंगे उसको यहाँ पे राइज करेंगे तो उसको पूरा लाइन डोरी करके वो सब सेट करेंगे तो वो लाइन में रहेगा फेस टू फेस मिलेगा। और कॉन्क्रीटिंग करते टाइम पर भी हम जब कॉन्क्रीटिंग करते हैं उस टाइम पर भी हम उसको लाइन डोरी कर लेंगे। हम देख लेंगे कि ये फेस टू फेस मिल रहा है क्या नहीं कहाँ तो देख लेंगे। तो इंशाल्लाह मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसी कॉन्क्रीटिंग के ऊपर होगी कॉलम का जो कॉन्क्रीटिंग होती है रेस कर रहे हो तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।